पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टपल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टपल क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब टपल बनाने का सिंटैक्स, प्रैक्टिकल क्या क्या ऑपरेशंस हम टपल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टपल क्या होता है। टपल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच वी कैन स्टोर एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, सो मेनी काइंड ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर इन टपल। तो टपल जो है पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। इसका मतलब एक सिंगल टपल वेरिएबल में आप कलेक्शन के फॉर्म में एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल वैल्यू, वो भी अलग अलग तरह की वैल्यू, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, अलग अलग तरह का वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोलते हैं टपल को, ठीक है। अभी टपल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे टपल का नेम होगा, यानी समझ लो वेरिएबल का नेम, और इसी वेरिएबल नेम में आप अलग अलग तरह का वैल्यू कलेक्शन के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। आइटम वन मान लो इंटीजर है, तो आइटम टू आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। आइटम एन आप अलग अलग तरह की बुलियन वैल्यू भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कहलाता है टपल, और आपको ये पैरेंथेसिस देना है तभी वो टपल कंसिडर होगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है टपल पढ़ने से पहले, वी राइट द आइटम ऑफ द टपल इन साइड पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर टपल के आइटम को आपको लिखना है, एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कोमा, और हर आइटम देखो यहाँ पे कोमा से सेपरेटेड है, सिंटैक्स में ही आपको दिखेगा। डुप्लीकेट्स वैल्यू टपल में हम रख सकते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउ है, लेकिन यहाँ पे इम्यूटेबल इन नेचर होता है, टपल का जो नेचर होता है इम्यूटेबल होता है, यानी इसमें आप चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, तो आपको बाकी चीज़ें सेम ही नज़र आएगा, बस यहाँ पे पैरेंथेसिस के जगह पे लिस्ट में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और लिस्ट जो है म्यूटेबल नेचर का होता है, यानी लिस्ट में हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अभी चलिए प्रैक्टिकल सेशन की ओर मूव करते हैं, जहाँ पर हम टपल क्रिएट करेंगे और उसके साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। VS Code हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हम आपको टपल का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि टपल में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको टपल क्रिएट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो याद करिए मैंने आपको सिंटैक्स में क्या बताया था, सिंटैक्स में हमारा था टपल नेम, तो एक नेम ले लेते हैं वेर, देन था हमारा इक्वल, आफ्टर, उसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी टपल मैंने क्रिएट करा है, इसका एविडेंस यही है कि ये जो पैरेंथेसिस हमने दिया है यही बताएगा कि इस वेर का टाइप टपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर मैं टाइप फंक्शन को कॉल करूँ और उसके अंदर मैं वेर लिखूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करूँ और प्रोग्राम को रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप टपल आ चुका है, यानी इस वेर का टाइप टपल है, किसके बिहाफ में, इस पैरेंथेसिस के चलते, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और इसे अगेन रन करता हूँ, तो ये रन हो रहा है, ओके। यहाँ पे मैंने टाइप प्रिंट किया तो उसने टपल दे दिया प्रिंट करके, मुझे वायर को प्रिंट करना था, फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने उसी फॉर्म में सारे आइटम्स को प्रिंट किया है जिस फॉर्म में यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि टपल में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू ट्रू दूँ और एक स्ट्रिंग भी मैं दे ही देता हूँ, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, कंट्रोल एस करा मैंने और इसे रन करा, तो आप देख सकते हैं इसने आउटपुट दे दिया है, यानी टपल में भी हम अलग अलग टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब आप बताइए इस वेर को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, चेक कर लेते हैं, मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वेर इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन वेर्स, यानी मैं यहाँ पे रुकिए एक वैल्यू ही कम कर देता हूँ, मैं भी प्रॉब्लम करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्रिंट करके दे दिया जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करा है, यानी आइटम्स डाले हैं टपल में उसी फॉर्म में इसने प्रिंट करा है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे और स्टार्टिंग में पैरेंथेसिस भी ऐड कर दिया है, ये यही इंडिकेट करता है कि ये एक टपल है, ये टपल में सारे आइटम्स रखे गए हैं। इसका अगर हम आपको टाइप भी दिखाऊँ, यहाँ पे मैं
टाइप फंक्शन में वायर का टाइप दिखाऊं, अगर ये टपल बताता है तो समझ जाइए कि विदाउट पैरेंथेसिस भी अगर एक से ज़्यादा वैल्यू रहेगी तो वो टपल कंसीडर होगा। जैसे अगर हम यहाँ से और वैल्यू रिमूव कर देते हैं, सिर्फ ये दो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और अभी वायर का टाइप चेक करते हैं तो अभी भी ये टपल ही बता रहा है। अब एक काम करते हैं, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप बताइए इसका टाइप क्या होगा, वायर का टाइप क्या होगा। जस्ट प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इसका टाइप बता रहा है इंटीजर, लेकिन अगर आपको फिर भी एक वैल्यू ही रखनी है और उसका टाइप आप चाहते हैं टपल रहे, तो आपको यहाँ पे एंडिंग में एक कोमा देना होगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसे रन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये टपल बता रहा है। इस कोमा के चलते ये हुआ कि ये दो वैल्यू कंसीडर कर रहा है, कोमा के बाद भी ये एक वैल्यू कंसीडर कर रहा है, यानी स्पेस ही भले स्पेस है लेकिन वो एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस वायर में आया और वायर का टाइप टपल बता दिया इसने। अब हम आपको इस टपल में कुछ और वैल्यू, जैसे मैं प्रीवियस ही रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और इसका लेंथ मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। LEN एक फंक्शन है पाइथन में जो कि लेंथ फाइंड करने का काम आ करता है। कंट्रोल एस करा हमने और इससे करता हूँ मैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टपल का लेंथ कितना है, 6, यानी इसमें 6 आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसी तरह से आप लिस्ट का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, दोनों में सेम फंक्शन वर्क करता है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो टपल वायर है इसके वैल्यू को हम कॉपी करना चाहते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट है इसकी वैल्यू को कॉपी करना है किसी दूसरे टपल में, तो मैं एक न्यू टपल नहीं बनाऊंगा जिसमें यहाँ पे सेम वैल्यू उसमें भी डाल दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ वायर टू, और उसमें क्या करता हूँ, इस वेरिएबल वायर की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वायर टू को प्रिंट करता हूँ। वायर टू को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली सारी वैल्यू कॉपी कर ली है वायर की वायर टू में। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हम आपको टपल में अब चेंजेस करके दिखाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था टपल इम्यूटेबल है, यानी टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम आपको करके दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वायर वन में मैं चाहता हूँ वायर के वन इंडेक्स पे, यहाँ से रिमूव करता हूँ इसे, वायर के वन इंडेक्स में मैं एक स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वायर को प्रिंट करना चाहता हूँ। कंट्रोल एस करा और यहाँ पे मैंने इसे रन करा, तो यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या है, टाइप एरर, ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी टपल में हम एक बार अगर टपल क्रिएट कर लिए तो अगेन हम उसमें असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये प्रूफ हो गया कि टपल अनचेंजेबल है, यानी एक बार अगर टपल क्रिएट हो गया तो उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग करके दिखाते हैं टपल में इंडेक्सिंग, ओके। मैं चाहता हूँ कि इस फोर प्रिंट, ये फोर प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स दे देता हूँ, जैसे दे देता हूँ फोर, इंडेक्स फोर पे क्या है वो प्रिंट करके दो मुझे। तो इसने दे दिया कि इंडेक्स फोर में है ट्रू, तो इसने ट्रू प्रिंट करके दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, अब मैं टपल में अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ टपल में, तो वायर में अपेंड करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि इसके लास्ट में एक और स्ट्रिंग ऐड हो जाए अंकित नाम का, ठीक है, और वायर को मैंने प्रिंट किया। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी टपल ऑब्जेक्ट के पास अपेंड नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, इसीलिए ये एरर दे रहा है, क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और जब हम किसी भी चीज़ को अपेंड करते हैं यानी उसमें हम कुछ चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, और टपल में तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए इसके पास अपेंड नाम का कोई ऑब्जेक्ट यानी फंक्शन है ही नहीं। अब हम आपको इंडेक्सिंग करके दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मैं अंकुश लिखता हूँ और यहाँ इंडेक्स मेथड में लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ टपल में ये जो अंकुश है, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस भी दे देते हैं, ये एक स्टैंडर्ड होता है टपल डिक्लेयर करने का, ठीक है, विदाउट पैरेंथेसिस भी चलता है।
मैं चाहता हूँ ये जो अंकुश है इसका टपल में जाके पता करो कि इस किस इंडेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसे असाइन कर देते हैं एक और वेरिएबल में, मैं असाइन कर देता हूँ एल नाम का, ठीक है। और इसको एल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, ये 5 दिखा रहा है, यानी अंकुश जो है ये टपल के इंडेक्स नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 5 में प्रेजेंट है। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अंकुश इंडेक्स नंबर 5 पे प्रेजेंट है। तो ये होता है टपल पाइथन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टपल क्या है, और उसका प्रैक्टिकल से तो कुछ तो आइडिया आया ही होगा। टपल और लिस्ट में थोड़ा ही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस यही है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस होता है, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि लिस्ट चेंजेबल है, यानी लिस्ट में मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। डिलीट तो हमको लगता है हम टपल में भी कर सकते हैं अगर हम वायर डॉट पॉप लिखे, ठीक है, और एल को असाइन करके एल में प्रिंट करूं तो आई थिंक लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एरर बता रहा है, एट्रीब्यूट एरर, यानी टपल में हम डिलीट भी नहीं कर सकते किसी भी आइटम को। बोल रहा है कि पॉप नाम का फंक्शन टपल में है ही नहीं, तो हम टपल में पॉप भी नहीं कर सकते, इंसर्ट भी नहीं कर सकते, अपेंड भी नहीं कर सकते, किसी इंडेक्स में नया आइटम को डाल भी नहीं सकते कि मेरा मन है ट्रू के बाद एक और आइटम को डालना तो मैं डाल दूँ। तो कहने का मोटो ये है कि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टपल क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।